तेजस्वी तब तक नहीं बैठेगा जब तक नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देते। हमारा दर्द क्या है? शरीर का दर्द है, ठीक हो जाएगा, लेकिन बेरोजगारी का दर्द ज्यादा है, महंगाई और गरीबी का दर्द मेरे से ज्यादा है। भाजपा के लोग घबराए हुए हैं, क्या उनका सरकार बनने वाला नहीं है? 400 पार का तो फिल्म फ्लॉप हो गया, रितु जायसवाल जी को जिताइए। और जो खिलाफ में जो प्रत्याशी है, हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, उन पर बोल के। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, आज बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शिवहर पहुंचे थे। शिवहर में रितु जायसवाल के लिए पहुंचे थे, वही रितु जायसवाल जो लगातार जो है सुर्खियों में बनी हुई हैं और सोशल मीडिया पर भी छाई हुई हैं। आनंद मोहन से उनकी टक्कर हो रही है, हालांकि लवली आनंद जो है आनंद मोहन की पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वो सीधा सीधा हमला जो है आनंद मोहन पर करती हुई नज़र आती हैं और उन्हें अपना अनुभव अपने पास रखने की बात कर रही हैं। तो रितु जायसवाल के लिए जब तेजस्वी यादव मंच पर पहुँचे हैं तो तेजस्वी यादव ने अंतिम में रितु जायसवाल के लिए तो बहुत कुछ कहा कि हमने एक ईमानदार जो है छवि वाली मुखिया जो पूर्व में रह चुकी है उन्हें शिवहर वासियों के लिए सौंपा है ताकि उन्हें जिताएं और शिवहर का विकास करवा सकें रितु जायसवाल के हाथों। अब जो है उन्होंने आनंद मोहन पर भी हमला बोला है, नाम बिना लिए हुए उन्होंने कहा कि रितु जायसवाल के सामने जो विरोधी खड़े हैं यानी आनंद मोहन को लेकर के उन्होंने कहा कि उन पर बोलना फालतू समय बर्बाद करना होगा, यानी समय की बर्बादी होगी आनंद मोहन पर कुछ भी बोल करके। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेता रितु जायसवाल को जिताने की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और माला भी जीत का पहना दिया है तेजस्वी यादव ने। वहाँ सीमा कुशवाहा जो है वो भी मौजूद थी, आरजेडी की नेता हैं, उन्होंने जो है रितु जायसवाल को माला पहनाया है और माला पहनाने के साथ ही मुकेश सहनी जो है वो भी रितु जायसवाल के लिए जीत के लिए वोट मांगते हुए नजर आए और पीएम मोदी पर हमला भी बोला है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि पीएम इतनी बार बिहार आ गए हैं, 10 बार से ज़्यादा बार बिहार आए हैं, लेकिन बिहार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कभी रोड शो करते हैं तो कभी कुछ करते हैं, लेकिन बिहार के लिए कोई भी घोषणा और विज़न उनके पास नहीं है। तो आप भी सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा है, गर्मी से राहत हो गई, अब लग रहा है कि मौसम बदल रहा है। लोगों को अब लग रहा है राहत मिलने वाला है। देखिए, हमको बैठ के बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे कमर की हड्डी में चोट है। डॉक्टर साहब ने तो बोल दिया था कि भैया बेड रेस्ट कीजिए आप 3 हफ्ते, उसके बाद इलाज चलेगा आपका। आप डॉक्टर साहब को बोले कि भैया जो सुई देना है दर्द का दो, तेजस्वी तब तक नहीं बैठेगा जब तक नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देते। जो हमारे देश के संविधान को, लोकतंत्र को, आरक्षण को, जो गंगा जमीनी तहजीब भाईचारा को खत्म करने का प्रयास करेगा देश में, तो तेजस्वी बैठने वाला नहीं है। और हमारा दर्द क्या है? शरीर का दर्द है, ठीक हो जाएगा, लेकिन बेरोजगारी का दर्द ज्यादा है, महंगाई और गरीबी का दर्द मेरे से ज्यादा है। नौजवान भाइयों, आप सब लोगों के बीच आने का मौका मिला है। समाज के हर धर्म के लोगों से, हर जात के लोगों से अपील करते हैं कि इस बार हम लोगों ने बड़ा सोच विचार करके रितु जायसवाल जी को यहाँ से शिवहर से प्रत्याशी बनाया है। और आप सबसे अपील है कि नया बिहार बनाने के लिए देश में इंडिया महागठबंधन की सरकार को बनाने के लिए लालू जी और राहुल जी के हाथ को मजबूत करने के लिए बहन रितु जायसवाल जी को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग जिताइए। देखिए, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, कोई मोदी जी की नहीं, लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमारे भी हैं। तो हम तो पूछेंगे, भाई 10 साल बताओ हिसाब क्या है, क्या किया आपने 10 साल? आप बिहार 9 से 10 बार आ गए, आज फिर पटना आ रहे हैं। पटना आ रहे हैं, रोड शो किया उन्होंने, 8 से 10 बार आ चुके हैं, शायद 11वां बार आ रहे हैं। बिहार एक 34 साल के नौजवान ने प्रधानमंत्री को नौकरी के एजेंडे पे सड़क पे लाने का काम किया।
भाजपा के लोग घबराए हुए हैं कि अब उनका सरकार बनने वाला नहीं है। 400 पार का तो फिल्म फ्लॉप हो गया, अब तो हम लोग 300 पार कर रहे हैं और उसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, सब लोगों का साथ चाहिए। सब लोग मिलकर के एक रहिए और भरोसा एक बार कीजिए, अपना निर्णय लीजिए और ठोक के लालटेन पे वोट दीजिए। आप देखिए 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, 3 लाख नौकरी प्रक्रिया दी, 4.5 लाख निर्धन शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा, स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दोगुना, आरक्षण की सीमा को बढ़ाना 75%, जाति आधारित गणना कराना, आईटी टूरिज्म स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाना, इन्वेस्टर मीट करा के बिहार के लोगों को, निवेशकों को बाहर से बुला करके बिहार में निवेश करे, 50,000 करोड़ का एमओयू कराना, सारा काम हम लोग कर रहे थे। लेकिन भाजपा वाला हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया फिर से। अब भाजपा वाला जो करे करे, लेकिन हम तो अपने चाचा का सम्मान करते हैं। हमको पता है कि उनका मन जो है यही है, शरीर भले वहां, लेकिन शिवहर की जनता देखिए, हम लोगों ने ईमानदार प्रत्याशी दिया है, एक महिला को दिया है जो पढ़ी लिखी महिला है। पूर्व में ये मुखिया भी रह चुकी, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने इनको अवार्ड देकर के नवाजा भी है, पूरे देश में सबसे बढ़िया मुखिया का अवार्ड दिया। जनप्रतिनिधि अच्छी रही है, वैश्य समाज से आती है और हम लोग इस बार सबको साथ लेकर के चलने का काम करते। इस बार हम लोगों ने मिलकर के कोशिश है कि हम लोग सबको साथ लेकर चलें। ये पार्टी माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है, ए टू जेड की पार्टी है और हम सब लोग आपकी लड़ाई लड़ना है। प्रधानमंत्री जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। हमारे प्रधानमंत्री का केवल एक ही काम है, झूठ बोलो, केवल झूठ बोलते हैं। उनका झूठ का टेप रिकॉर्डर हम लेकर के चलते, लेकिन समय का भाव है आज, वरना हमारे वो हेलीकॉप्टर नहीं समझिए कि ट्रैक्टर है। हमको रोकने के लिए 20-20 हेलीकॉप्टर लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, नितिन गडकरी आ रहे हैं, यूपी वाले बाबा जी आ रहे हैं, असम वाले मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ की सरकार लगी हुई है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, गोदी मीडिया लगी हुई है, पूंजीपति लगे हैं कि कैसे भी इनको रोको, लेकिन ये आपने जो ताकत दिया है, इस ताकत के बलबूते हम चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। कितना चीनी मिलकर चाय पी रहे थे, ही चीनी का एको चीनी मिलने के एक खोले, एक चीनी ना 15 लाख रूपये खाते में आए, ना कुछ मिला, ना 2 करोड़ रोजगार मिला, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला। 10 साल से आप बताओ प्रधानमंत्री है, 17 साल से राज्य में उनका सरकार है, लगातार मोतिहारी की जनता भाजपा के सांसद को जिता रही है, शिवहर से भाजपा के सांसद को जिता रही है, लेकिन आप लोगों को क्या मिला? एक काम बता दो जो ढाका के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया हो, या पूर्वी चंपारण के लिए किया हो, एक काम बता दीजिए आप जो शिवहर के लिए किया हो। कोई काम नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने, केवल झूठ बोला। इस बार हम लोगों ने फैसला किया है भाइयों, राहुल गांधी जी हम लोगों ने बैठ के फैसला किया है कि इस बार इंडिया की सरकार बनते ही बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे, पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे, 200 यूनिट फ्री में बिजली बिहार के लोगों को मिलेगा, 200 यूनिट फ्री में अनाज, 5 किलो से 10 किलो अनाज मिलेगा, गरीब
परिवार की बहनें वहां खड़ी हैं छतों पर, दूर दूर खड़ी हैं। उन गरीब परिवार की बहनों को हर साल एक साल में एक बार 1,00,000 रुपया दे करके हम लोग सहयोग करेंगे, यानी हर महीने गरीब बहनों को 8,333 रुपए सीधे खाता में जाएगा खटाखट। गैस सिलेंडर जो मोदी जी ने 1200 कर दिया है उसको हम लोग 500 करने जा रहे हैं। और मुकेश सहनी जी ने कहा अग्निवीर योद्धा को खत्म किया जाएगा, और पहले जैसे सेना में बहाली होती थी वैसे ही बहाली होगी। हमको तो सुनने में आ रहा है मोदी जी के तो ख्वाहिश है पुलिस में भी कर दे, पैरामिलिट्री फोर्स में भी एग्निवीर कर दे। सोचो ये सिपाही सब लोग खड़े हैं, दरोगा जी खड़े हैं, 4 साल में रिटायर कर देगा तो क्या करेगा उसके बाद? ऐसा योद्धा शहीद का दर्जा नहीं है, कैंटीन की सुविधा नहीं है अग्निवीर में, पेंशन नहीं है। हमारी सरकार आएगी तो ओल्ड पेंशन को लागू करने का काम करेगी, इस काम में भी हम लोग लगे। तो देखिए ज्यादा समय नहीं है, ढाका की जनता हाथ उठा के बता चिताना है ना, भाजपा को भगाना है ना, गरीब का राज लाना है ना, रितु जायसवाल जी को जिताइए। और जो खिलाफ में जो प्रत्याशी है, हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, बोल के हम क्यों बोले? बोलने के लिए क्या है? सब समझदार है, आप लोग सब कुछ जानते हो। हम अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहते इनको कुछ बोल करके। किसको दिया नहीं दिया हमको कुछ नहीं बोलना, मालिक हो आप, मालिकों को निर्णय लेना है क्या करना है आप लोगों को। हम तो यही कहेंगे चुपचाप लालटेन। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने किस तरह से हमला बोला है, रितु जायसवाल को लेकर वोट मांगते हुए नजर आए हैं, और पीएम मोदी को लेकर कटाक्ष किया है और कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हर महिलाओं के खाते में 8,333 रुपए हर महीने आएंगे और साल के 1,00,000 रुपए आएंगे, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा है। साथ ही साथ कहा है कि हम 200 यूनिट जो है बिजली फ्री में देंगे, इसके साथ ही साथ जो है 5 किलो अनाज की जगह 10 किलो अनाज देंगे, और नौकरी की तो बात छोड़ दीजिए क्योंकि पीएम मोदी कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन मैंने जो है 17 महीने में नौकरियों की बौछार कर दी है। अब जो है फिर से हमारी सरकार आई, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार आई, तो मैंने राहुल गांधी से बात कर लिया है, अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो है ये सभी जो हमने मैनिफेस्टो में लाया है वो सारी चीज़ का हम लाभ देंगे और नौकरियाँ भी खूब सारी निकालेंगे। तो फिलहाल जो है रितु जायसवाल के लिए वोट मांगते हुए नज़र आए हैं। 25 मई को जो है शिवहर में भी चुनाव होना है लोकसभा का, और वहाँ पर सामने हो जाएगा 4 जून को कि किसकी जीत होती है। फिलहाल आनंद मोहन पर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाई दिए, रितु जायसवाल भी गुस्सा थी, तेजस्वी यादव भी गुस्सा हैं, और साथ ही साथ जो है मुकेश सहनी भी है। तो इस खबर में इतना ही है, दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।